तो आपको सिंपली चार पॉइंट लगाने और आपको पता चल जाएगा कि कितने एकड़ है ये। वैसे अपनी राड से घुमा देते तब भी इसका तो भी 8 × 16 = 20। आप सभी को नमस्कार, कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी ये आज अपना ये खेत निकल रहा है, तो आपको एक बार ये नाप कर भी दिखा देता हूँ कितना है। जैसे तो इसमें कितनी सरसों निकलेंगे ये देखेंगे। ठीक ठाक सरसों थी कुल मिला के, इसको ज़्यादा तगड़ी नहीं बता सकते और बिल्कुल कमज़ोर भी नहीं बता सकते। कुल मिला के अच्छी सरसों आप देख सकते हैं जैसे। तो ये कितनी लकड़ेगी एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कितना एरिया अपना ये जो खेत है। और अभी अपनी गिलप्रीत इसको काट रही है, एक तो इसको मेरी ता चुकी है, लगभग आइडिया आ जाएगा फिर कि कितना है ये इसके। तो ये देख लो अभी एक रिताई इसमें और इतना एरिया ये कवर कर चुकी है और इतना रहता है। तो आपको पूरा मेजर करके दिखाएंगे, इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा भाई पूरा पूरा इतना एकड़ है और ये सरसों कितनी निकली। तो कुछ फूट तो रही है अभी सरसों में क्योंकि बिल्कुल सूख चुकी है। तो इसमें आप देखते हैं जैसे 4 से 5 बरमे हो जाते हैं। पहले जैसे अपने कटर में गई सरसों, फिर थ्रेसर के पास है, थ्रेसर के पास से पीछे ऊपर चढ़ाने वाले पर वो मिल जाती है और टैंक वाले में भी, टैंक से फिर ओगर के इसमें साइड ओगर से भी आती है। तो इतने बरमों में आती है उस टाइम पर भी ये सरसों फूट जाती है क्योंकि ये सूखने के बाद बिल्कुल नाजुक है, इसका दाना हो जाता है। अन्यथा दाब पूरी हटा रखी है, चक्कर बिल्कुल कम है, इसीलिए पहले किलो में मशीन ये मान के चलो पहले मशीन चल रही है। अगर चक्कर ज़्यादा होते तो मशीनें फास्ट चलती है, तो अगर थोड़ी हरियाका होता तब भी सही चलती है। अब दाने टूटने का वो रहता है इसलिए लो चल रही है मशीनें। तो ऐसे करके चौक हो जाती है जैसे लो, उसमें भी बिल्कुल लो चल रही है ना, इसमें राउंड नहीं है। ऐसे करके इतनी सूखी सरसों में भी चौक हो जाती है मशीनें, तो अब काफ़ी टाइम इसको खोलने में लगेगा। तो मशीन भी लो चल रही थी, इतना ज़्यादा तगड़ी सरसों भी नहीं है, फिर भी देखो चौक हो गई क्योंकि थ्रेसर के राउंड भी बिल्कुल कम है, इसीलिए फिर भी ये टूट रहे हैं देख लो। तो इसका तो और कोई इलाज नहीं है अभी, इतने तो इसमें ये मान के चलो टूटेंगे ही। तो अभी इसका चौक खोल लेते हैं, तब तक मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ जैसे कितना है। तो सबसे पहले सिंपली आपको इस प्रकार से इस ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो ब्लू टिक दिखा रहा है वहाँ पर, तो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। पीछे साइड देखेंगे आप, ये घर था साइड में और सामने हो रहा है। तो यहाँ पे सरसों अपना, तो मैनुअल पे जाना आपको और यहाँ पर जहाँ जहाँ अपना खेत है जहाँ तक है वहाँ पर पॉइंट लगा देने हैं चारों तरफ। तो ये चारों पॉइंट लग गए, इनको बिल्कुल जहाँ तक खेत है वहाँ तक एडजस्ट कर दिया अच्छे से। थोड़ा जूम कर लिया, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो जूम कर सकते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा फिर। तो उसको पूरा लगा देना है जैसे जहाँ जहाँ तक खेत है अपना। तो उसके बाद ऊपर एरिया आ गया, जैसे ऊपर एरिया में 2.5 एकड़, मतलब 2.5 एकड़, 2.5 किले 2.5 एकड़ हो गया ये पूरा। तो इतने में ये सरसों अपनी 2.5 एकड़ में, अभी देखते हैं कितना निकलेगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी खेत मेजर कर सकते हैं आसानी से इस ऐप के माध्यम से। तो चौक भी खुल चुका मशीन का क्योंकि चुका है एक बार है। वैसे अपनी राड से घुमा देते तब भी इसका निकल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता चौक खोलने में, तो आसानी से चौक खुल जाता है। तो अभी देखते हैं इसमें कितने निकलते हैं, जैसे आपको दिखा दिया मेजर करके पूरे 2.5 एकड़ ही है। तो 2.5 एकड़ में कितनी सरसों निकलेगी, अगर 20 मणे मतलब 8 क्विंटल के हिसाब से निकलती है सरसों, तो अभी 8 × 16 = 20 क्विंटल निकलने चाहिए एकदम फिर, लगभग 20 क्विंटल के आसपास आती होगी इसमें सरसों, क्योंकि गेहूँ तो लगभग 27-28 क्विंटल आ जाते होंगे जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी अब की बार इसको वेट भी करके देख लेंगे।
ये निकली है अपनी टोटल सरसों इस खेत में 2.5 एकड़ में, तो देख ले बार कितनी है। हाइट हिट बताना कितनी होगी लगभग आपसे। तो पूरा ये मान के चलो पूरा भर गया और ऊपर ये कुछ ना कुछ है और आगे। इसमें ये मान के चलो पूरी आई नहीं है। काफी बढ़िया सरसों निकले 2.5 एकड़ ने देखते हुए, न्यू मार्केट लो ये लगभग 25 क्विंटल हो गई होगी सरसों। हम तो एक बार इसको मैं सही कर दूं और रखी एक मिनट रुक जा हाँ ले भाई लिया कटाई के पैसे लिया भाई 2.5 एकड़ लगभग 25 से भी ज्यादा हो गया मान लो, क्योंकि 20 तो नीचे तक आ जाती, 20 से ऊपर आ जाती नीचे नीचे। और ये देख लो आप ऊपर भी कितनी चोटी लगी इसका, तो काफी बढ़िया सरसों निकले, जितनी देख रहे थे उससे ज्यादा निकली है, कम नहीं निकले। और वेट करवाऊंगा उस टाइम पर पता चल जाएगा। तो आप लोगों को एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि अपना लास्ट में निकला है सबसे लास्ट में, तो अभी इसका एसएमएस उतारेंगे क्योंकि लास्ट खेत था ये, तो अभी और नहीं है, केवल अपना लास्ट में निकला है, तो अभी इसका एसएमएस निकाल के गेहूँ पर सेटिंग करेंगे मशीन की।